हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत यूनिक होने वाला है। बिकॉज यूनिक और इंटरेस्टिंग का मतलब है कि आज कोई भी किसान भाई अगर अपने खेतों में कोई भी फसल को तैयार करते हैं तो उस फसल को तैयार होने के लिए 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। तो बिकॉज हमारे गाँव के किसान भाइयों ने भी जो अपने खेतों में धान की फसल को लगाई थी, तो धान की फसल लगाने के बाद उसमें देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले धान की रोपाई करना पड़ती है, फिर उसमें टाइम टू टाइम खाद, बीज, पानी, काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद धान में इतनी ज़्यादा बीमारी लगती है, उसके बाद धान की फसल तैयार हो पाती है। जब धान पकता है तो फिर उसके लिए रीज़न आता है काटने का कि अब धान की कटाई कैसे होए। तो काफ़ी लोग भी ऐसे भी हैं जो किसान भाई जो अपने धानों की फसल के लिए मतलब जड़ से काट देते हैं, इस तरह से जैसे ये पड़ा है कटा हुआ खेत है जो जड़ से फैला दिया है, फिर इसके लिए बांधते हैं, बांधने के बाद इसकी झुराई करते हैं। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वक्त और काफ़ी मेहनत के प्रोसेस है ये। तो गाइस, लेकिन दूसरा रीज़न है कि अगर अपने खेतों के लिए खड़ा करते हैं ना, जैसे कि ये साइड में खेत है जो खड़ा है, इसके लिए कंबाइन के द्वारा कटवाते हैं। तो जैसे कि आज हमारे यहाँ के किसान भाइयों ने एक कंबाइन को वॉकिंग किया था जो आज आ रही है काटने के लिए। चलो दिखाते हैं कि कंबाइन खेत कैसे काटती है। बाय। फाइनली गाइस, कंबाइन तो आ गई है खेत पर और धान भी कट गया है। और इनका कट गया था, मान लो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? कट गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग धान लग कितना निकला तुम्हारा? धान ऐसे लग रहा 10-12 क्विंटल। 10-12 कितने बीघे में था? ऐसी 3.5 बीघे में। और लागत कितनी आ गई इसमें? लागत तो आ गई 10-12 हजार। 10-12 हजार और 10-12 क्विंटल धान निकला है, तो ऐसे के बराबर ही होगा। तो बस फाइनली गाइस, आपकी खेतों में धान सिर्फ उतना निकल रहा है जितना खाने के ऊपर, बस खाने के बराबर ही निकल रहा है। कुछ भी जिन जिन खेत गिरमी डाले ना, उनकी लागत ही वसूल नहीं हो पाएगी भाई अब की बार। और फाइनली गाइस, 4 बीघे खेत में धान निकले, इतने से देख रहे हैं आप, ये धान निकले हैं भाई 4 बीघे में। और इन धान का कलर भी काला पड़ गया है, कलर भी, और थोड़ा गीला भी धान, क्योंकि सुबह सुबह कट गया ना, इसलिए धान भी ये मतलब थोड़ा हरा है ना, इसलिए इसमें पानी का ओस का अंश था, इसलिए धान अगर ज्यादा दिन तक सुखाया नहीं तो ये काला पड़ सकता है। और फाइनली गाइस, धान का रेट क्या है? रेट क्या है? 1600-1700-1500 रुपए मांग रहे हैं। अरे तो गाइस, लागत इतनी ज्यादा आ गई है और धान का रेट है 1600-1700 रुपए, इसमें तो पक्के में नुकसान में जा रहा है किसान। किसान भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी ने भी प्यार तेरा खेत लगाया हो धान, तो प्लीज अगली बार आने वाले टाइम में ना लगाएं कि दूसरा वैरायटी लेके आए कोई अच्छी वाली। इसमें गाइस, इसमें धान में प्यार तेरे में काली वाली पड़ती ज्यादा, इसमें धान का गिरावट आ गई बहुत ज्यादा, ये बहुत कम निकल रहा है। फाइनली गाइस, इतना 7 बीघे का खेत था जिसमें भी ये मशीन चल रही है, वो तो कट चुका है, फिर उसके बाद इन भाई का कटेगा और इसके बाद एक खेत और कटेगा, फिर पहुंचेगी मशीन अपने खेतों में और फिर देखना हमारे खेतों का व्यू, क्योंकि हमारा खेत तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, धान काला काला है बहुत सोने जैसा, लिटरली गाइस जैसा था हमारा धान है ना, वो हाल ऐसा आएगा, इस तरह से देख रहे हो आप, देख लो बिल्कुल सूख हो गई है ना। आप लोगों से निवेदन और विनती कुछ भी समझिए, फिलहाल अगले वाले आने वाले टाइम में प्यार तेरा धान ना लगाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बीमारी लगती है उसमें और बहुत ही कम निकलता है वो धान। अगर आपको लगाना है ना, तो कोई ब्रांड ही लाइए, कोई ब्रांडेड आइटम, जैसे 1600 है, 1847 है, ताज है, एक्सपायर्ड, कोई सा भी धान लाइए, आराम से महंगा बिकता है, महंगा कटेगा। और गाइस, आज डेट है ना, आज डेट है 10 अक्टूबर और अभी धान है थोड़ा हरा, तो आप नर्रा देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हरा है, आराम से, जानवर बहुत प्यार से खाते हैं इसके लिए।
फाइनली गाइस दो बार का खेत रह गया, दो बार कटने के बाद इसमें चलेगी फिर कंबाइन और उसके बाद फिर अपना नंबर आएगा। चलिए बने रहना वीडियो पे हमारी। इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने अपने खेत कटवाने के लिए, भी पाल पल्ली भी इनके पास है, आराम से काटते हैं, कटवाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। फाइनली गाइस 12 बज गए और 12 बजे हमारे खेतों में आ गई है मशीन, ये देख रहे हैं चली गई है कंबाइन। और गाइस धान के थोड़ा मतलब थोड़ा सूखती ना तो इसलिए धान थोड़ा कम निकल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 12 बज गए, ओस भी छूट चुकी है और धान वैसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा काला दिख रहा था लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा काला नहीं है और काला धान जो है वो निकाल देती है कंबाइन। गाइस जब ये था ना उस टाइम हम रोड की तरफ से देख रहे थे, उस टाइम धान काफ़ी काला दिख रहा था लेकिन अब इस टाइम काला नहीं है बिल्कुल धान। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में बाली है और बहुत ही साफ है, मतलब जो बात पहले थी वो बात अब नहीं है। फिलहाल देखने के बाद अब तो बहुत अच्छा लग रहा है धान और मशीन चली रही है, फिलहाल काफ़ी निकल रहा है धान भगवान की दुआ से। उम्मीद है कि 5 क्विंटल का तो नहीं, सब 4 क्विंटल का कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस जब खुद के खेत में मशीन चलती है ना तो फील ही कुछ अलग होता है यार। हमने बहुत ही देर से इंतजार कर रहे थे कि मशीन हमारे खेतों में चले लेकिन मशीन तो 8:30 बजे आ गई थी लेकिन उस टाइम हमारे खेत तक आने की रास्ता नहीं थी, इस वजह से हमारे लिए इंतजार करना पड़ा और काफ़ी टाइम भी लग गई और 12 बजे हमारे खेतों में मशीन आ पाई। तो अभी देख रहे हैं मैं खेतों के अंदर होकर जा रहा हूँ और मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो फाइनली गाइस फिलहाल हमने अपने धानों को मतलब लौटने के लिए वो ट्राली खड़ी है, ट्राली तो मंगवा ली है और डायरेक्ट ट्राली में लौटवा रहे हैं, मशीन टू मतलब मशीन से धान ट्राली में लौटवा रहे हैं। तो अगर मतलब खेत गीला है और फिर भी कंबाइन चलाचल लगा रही कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो किसी नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय।